हेलो दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं ग्लोबल विलेज, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत सिटी है। ये दुबई में है। यहाँ से हमने बस पकड़ा अल गुबैबा बस स्टैंड से। अब हम लोग चल दिए हैं और जस्ट पहुँचने ही वाले हैं। बहुत ही सुंदर। हेलो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं ग्लोबल विलेज सिटी दुबई में। अभी हम अंदर दिखाएंगे कि अंदर क्या क्या खास है और किस किस देश का जो नक्काशी है, उनकी जो बिल्डिंग है, वहाँ की जो खासियत है, सब कुछ यहाँ मिलेगा इस ग्लोबल विलेज सिटी में। दुनिया में जितने भी मशहूर सिटीज़ है, वहाँ के बिल्डिंग्स है, सबको बनाया गया है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं। ऑनलाइन ले लिया है, इसलिए लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। हम आगे बढ़ रहे हैं। ये टिकट मशीन भी है, आगे दिखाएंगे। ऑनलाइन लेने से फ़ायदा ये हुआ है कि 2 दिरहम का बचत हो गया है। एंट्री टिकट है 20 दिरहम का, जबकि हमको 18 दिरहम ही देना पड़ा है। अगर आप कुछ सामान लेकर आए हैं तो यहाँ पर स्कैन करा सकते हैं। उसके बाद ये जो लाइन देख रहे हैं वो VIP लोगों के लिए है। VIP लोग एंट्री है और यहाँ से आप जा सकते हैं। ठीक है, हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। आप देख सकते हैं हम ग्लोबल सिटी में आ चुके हैं, ग्लोबल विलेज दुबई में। यहाँ से एंट्री होता है और आप ले सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं बेबी कैट ले सकते हैं, ये है व्हील चेयर ले सकते हैं, शॉपिंग ट्रॉली यहाँ से आप ले सकते हैं। सबका प्राइस है। चलिए हम आपको घुमा रहे हैं ग्लोबल सिटी। ग्लोबल सिटी में एंट्री लेते लेते हमको सबसे पहले देखने को मिलता है चाइना। आप देख सकते हैं ये है चाइना, बिल्कुल चाइना के तर्ज से बनाया गया है। देखिए, और इसके अंदर हाई फाइव टॉयज, जो बच्चों का खिलौना मिलता है वही है, मतलब चाइना ने कुछ निजात किया है। हाँ, आते आते आपको चाइना टॉयज मिलेगा। यस। इसके बाद आप आगे चलिए, हम आपको दिखाते हैं। ये आपको अंदर में ATMs मिलेंगे, टॉयलेट हो गए, इमरजेंसी एग्जिशन, परफ्यूम, सबसे पहले आपको परफ्यूम मिलेगा। ठीक है बाबा, आप चाइना टाउन में आपको घुमा रहे हैं। देख रहे हैं दुबई से डायरेक्ट लाइव है, ग्लोबल विलेज में है। ये हर कंट्री का अलग अलग बनाया गया है। थाई चाइनीज मसाज, ये देखिए उसी कल्चर के टाइप का है। ये थाई चाइनीज मसाज है, आप देख सकते हैं मेरे साथ लाइव। इधर अलग कंट्री का बना हुआ है, आप जो वर्ल्ड अजूबा है वो सब भी यहाँ पर दिखाया गया है। हाउस ऑफ मोटर, इसके अंदर ये उसी कंट्री का आपको मिलेगा। चलिए फिर हम आपको बाहर ले चलते हैं।
और सबसे खूबसूरत दिखा रहे हैं ताज महल और फ्यूम्स। ये ताजमहल है जो आपके दुबई ग्लोबल सिटी के अंदर है, आप देखिए। इसके अंदर ताजमहल के अंदर आपको परफ्यूम्स नजर आएंगे। आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। यहाँ परफ्यूम्स है, चलिए फिर हम आगे ले चलते हैं आपको और कुछ दिखाने के लिए। शाम का मौसम है, काफी सुहावना है, आप देखिए और आगे बढ़िए। टर्काइट तुर्की का, ये जो आप देख रहे हैं तुर्की, आप हमारे साथ लाइव हैं तुर्की में। ये और सबसे बड़ी बात है, तुर्की का जो बहुत बड़ा क्षेत्र है उसी में हम आपको ले चलते हैं और दिखा रहे हैं तुर्किश आइसक्रीम। ये बहुत ही फेमस शो होता है। ये आप यार ऐसे करता है कि जैसे ड्रा देगा, इस तरह का अलग अलग वो होते हैं। आप देखिए हमारे साथ तुर्की आइसक्रीम, आप देखिए तुर्की आइसक्रीम। हमारे भाई डर भी लगता है, ये लोग क्या करेगा। आप देखिए अब तुर्की के बाजार में है, आपको पता नहीं चलेगा कि आप दुबई में हैं कि तुर्की में हैं। सबसे बड़ा मार्केट है तुर्की में। ये लेडीज कपड़ों का मार्केट है, आप देख सकते हैं बहुत सस्ता सस्ता है। आप देखिए ये जेवर है, जेवरात है, ज्वेलरी। उसके बाद वहाँ की मिठाई, तुर्की की मिठाई, होम डेकोरेशन के लिए। तुर्किश कल्चर का होम डेकोरेशन है, तो आप देखिए और सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। ये ड्रेसेज है, आप देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। ये एक दुकान है परफ्यूम्स है, ये दुकान हो गए आपको लेडीज ड्रेस फैशनेबल। ये आपको बेड सीट है और भी कुछ सब कुछ है, आप देखिए। ये बेबीज क्लोथ है, तुर्की मिठाई है। आप दुबई में हैं लेकिन टोटल कल्चर आप तुर्की का देख रहे हैं। इसके अलग अलग हम आपको दिखाएंगे, हर कंट्री का अलग अलग कल्चरल मार्केट है, वो हम आपको विजिट कराएंगे। ये देखिए फैशनेबल आइटम है, महिलाओं लेडीज का फैशनेबल आइटम, देखिए किस तरह से रखा हुआ है। ये भी क्लोथ है, नाइट सूट टाइप के हैं। देख सकते हैं ये भी ड्रेसेज हैं, ये आपको फैशनेबल आइटम है। रिंग्स है, हार है, ये जूस, अलग अलग आइटम्स। ये आप देखिए फ्रूट है,
महीनों का बीमार है। ये आप देखिए ड्रेसेज, महिलाओं का ड्रेसेज, आप दुबई ग्लोबल सिटी है, यहाँ ड्रेसेज आप देख सकते हैं। आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। ये सब स्पाइस है तुर्की के मसाले। ये आप देखिए अलग अलग आइटम्स आपको हम दिखा रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। आ गए हम तुर्की का मार्केट, हमने घुमा दिया। ये भी अलग अलग तरह के हैं। आप चलते हैं हम अलग साइड। चाइना सिटी के बाद हम आपको ले चलते हैं कुवैत सिटी में विजिट कराने के लिए। आप देखते रहिए, दुबई ग्लोबल विलेज में है और यहाँ पर हम आपको ले चल रहे हैं कुवैत का मार्केटिंग कराने के लिए। यहाँ हर कंट्री का जो यूनिक चीज़ है उसको लिया गया है और साथ में आप देख सकते हैं कि जो वहाँ के मार्केट है, मार्केट में क्या खास है, वो तो सबको लिया गया है। यहाँ पर भी हम स्टार्ट कर सकते हैं लेडीज आइटम से ही। ये देखिए यहाँ भी आपको जेवरात दिखाएंगे कुवैत सिटी में। ड्रेस है यहाँ, ये किताबें हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग राइटर्स के बुक्स है। मतलब कुवैत में पढ़ने लिखने वाले भी लोग हैं, इसलिए तो वहाँ के देश में किताब मैं पहली बार देखा हूँ, किताब का मार्केट। आप देख सकते हैं इसी कुवैत का ही है, कुवैत का जो कल्चर है उसको भी विजिट करा रहे हैं। दुनिया का कोई भी चीज़ आपको लेना है ना, दुबई ग्लोबल सिटी में आइए, वो मिलेगा। यहाँ दुबई तो कहीं 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 जो फोटो ले जाना नहीं ले सकते हैं आप तो देख सकते हैं हमारा हर जगह जगह पर है। तो आप दुबई ग्लोबल सिटी में हैं, आप देख सकते हैं यहाँ खूबसूरत है। दुबई ग्लोबल सिटी के कुवैत सेक्शन में थे आप, यहाँ कुवैत का कल्चर था, वहाँ का ड्रेसेज, वहाँ का खान पीन,
जो भी था हमने आपको पूरा दिखाने की कोशिश किया है। आप चलते हैं अब दूसरे सेशन की तरफ, वहाँ भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, कुवैत का सेशन समाप्त होता है। चलिए आप हमारे साथ, अन्य स्टेट का भी हम आपको दिखाएंगे। अन्य स्टेट बोले तो कुवैत के बाद हम आपको लेके आ रहे हैं यमन सिटी में। चलिए आप हमारे साथ, और यमन का आप खान पीन, वहाँ का रहना पहनावा, कल्चर सब आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप सबसे पहले हम आए हैं हनी बन, हनी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये है हनी। ना हनी, हनी ये इतने प्रकार के हनीज हैं यार। यमन में तो काफी मसाले हैं, बड़ी आश्चर्यचकित है। खाने पीने के लिए बहुत ही शौकीन है, वहाँ मसाले का ज्यादा है। अभी इतना भी मैं सेशन देखा, वहाँ मसाला नहीं था। यमन में खाली मसाले ही मसाले। और उसके बाद वहाँ के जेवरात देख सकते हैं, ये खंजर है। आप यमन सेक्शन में हैं और यमन का हम आपको दिखा रहे हैं कल्चर। आप देखिए, ये कुछ मेडिसिन आइटम पैक का है। यमन हनी मतलब यमन में आपको मसाले ही मसाले दिखाई देते हैं, इस पे प्रोग्राम किए जाते हैं। ये नकाब तो मुस्लिम कंट्री में होता ही है। ये इसका फैशन देखिए, कल्चरल फैशन। यमन में भीड़ कम है, यहाँ का कल्चर कुछ अलग टाइप का है, इसलिए आप देख सकते हैं भीड़ भी नहीं है। यही कारण है कि भीड़ नहीं है, क्योंकि यहाँ फैशन के ज़्यादा चीज नहीं है, जो भी चीज़ है काम के हैं। तो आप मेरे साथ देख रहे थे, यमन सेक्शन में हम थे। अब यमन के बाद हम अलग कंट्री आपको विजिट करा रहे हैं। आप दुबई ग्लोबल विलेज में हैं। यमन के बाद आपका बहरीन में स्वागत है। आप चलिए, हम बहरीन लेके चलते हैं और यहाँ आपको विजिट करा रहे हैं, यहाँ का कल्चर विजिट करा रहे हैं। यहाँ पर देखें, आपको खुशबू से स्वागत किया जाता है। ड्रेस तो है ही है, यहाँ फैशन बहुत लग रहा है। ये आप देखिए, अभी आप देख रहे हैं यमन में है हम, और यहाँ पर हम यहाँ की जो कल्चर है, ड्रेस है, उसको हम विजिट कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं नाइट सूट यमन की महिलाएं जो पहनती हैं। यहाँ मसाले, और ये आपको शूज होगा, ये भी ड्रेस। तो आप देख रहे थे यमन वाले सेक्शन में थे, और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे थे यमन की जो ड्रेस कल्चर, हर कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। आप दुनिया कहीं भी आइए और आप देख सकते हैं यहाँ का प्रोग्राम, मतलब हर देश में यहाँ पर प्रोग्राम किया जा रहा है, ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जहाँ तक आप देख
सेक्शन में थे और बहुत खूबसूरत है, इंजॉय करा रहे हैं और नो फोटो विदाउट फोटो नथिंग है पेन। बट यमन वाले सेक्शन को हम बंद कर रहे हैं और अब दूसरे कंट्री आपको घुमाने की कोशिश करेंगे। यमन के बाद आपका इजिप्ट में स्वागत है, मिस्र में। मिस्र को ही अंग्रेजी में इजिप्ट कहते हैं, तो अब हम आपको यहाँ आपको विजिट करा रहे हैं। ये वहाँ का जो फिरौन के जो हैं तो उसी टाइप के यहाँ बनाए गए हैं। चलिए अंदर, कुछ पिरामिड मिलता है, मम्मी में मिलता है भाई कि नहीं मिलता ये, चलो देखते हैं। चलो यमन वाले सेक्शन में जाते ही हमको मिला सबसे पहले ड्रेस, वहाँ के ड्रेस, बच्चों का ड्रेस। देख सकते हैं वो सबसे पहला शॉप यही है। और मेन चीज यहाँ आप देखिए, ये जो कल्चरल है, कल्चरल गेम्स का प्रिंस और क्वीन शॉप का नाम है। आप इजिप्ट वाले सेक्शन में हैं और यहाँ का आप कल्चर देखिए बहुत आराम से। देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। आप यमन का कल्चर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। यमन वाले सेक्शन में है यहाँ का कल्चर, कल्चर आप देख सकते हैं। ये आप फिल्मों में डांस वांस देखे हुए हैं। बच्चों का ड्रेस है, मंकी अंकी बंकी है, फिर वहाँ का कल्चर में ये देखिए घरेलू सामान के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो आज भी है। आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। हम आपको दुबई ग्लोबल विलेज सिटी पर भी प्रोग्राम किया जाता है, पर अभी कुछ नहीं हो रहा है। तो अभी आप मिस्र वाले सेक्शन में थे और यहाँ आपको हमने दिखाया यहाँ का कल्चर, यहाँ का ड्रेसिंग सेंस और जो घर के सामान का इस्तेमाल किया जाता था वो सब हम आपको दिखाए हैं। इसी चलते चलते अब ये यमन वाला लास्ट सेक्शन है, फिर आगे जो देश होगा उस कंट्री को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। लास्ट में हम दिखाते हैं ये देखिए कितना शानदार है वहाँ का कल्चर, ये सब हुआ करता है। ठीक है, मैं बंद कर रहा हूँ। के बाद हम अब मोरक्को का कल्चर दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं ये टोटल डिजाइन किया गया है। चलिए हम आपको आगे ले चलते हैं और दिखाते हैं मोरक्को। ये इब्ने बबूता, इसके नाम से यहाँ स्टेशन भी है। आप पढ़ सकते हैं बर्थ चाइल्ड हुड। चलिए ठीक है, हम आपको
जा रही है। हम इधर चलते हैं, ये यहाँ पर वेश हो गए, आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत आप मोरक्को वाले सेक्शन में हैं। यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ भी कपड़े ही कपड़े हैं, कोई ख़ास चीज़ नहीं है देखने के लिए, कोई ख़ास चीज़ मिलेगा तो हम ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए मोरक्को वाले सेक्शन में है, हम आपको आगे बढ़ते रहे और दिखा रहे हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। मोरक्को वाले सेक्शन में थे तो अभी हम आपको दिखाए हैं मोरक्को वाले सेक्शन और चलते हैं हम और दूसरे कंट्री की तरफ, वहाँ कौन सा देश है और वहाँ का क्या कल्चर है वो आपको हम दिखाएंगे। कंट्री का अंदर तो जाके दिखाना संभव नहीं है एक दिन में, तो हम बाहरी बाहर से दिखाते हैं। ये एशिया है, ये आप देख सकते हैं ईरान है, बहुत ही सुंदर आप देख सकते हैं, ये ईरान है। और चलिए जिसका सब बेसब्री से इंतज़ार था वो देश जल्दी आने वाला है, अपना भारत इंडिया जो लाल किले का सीन बना हुआ है, इंडिया छठ बाजार, ये कौन सा है, ये इंडिया का छठ बाजार है। तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए और हम आपको दिखा रहे हैं। ये ईरान था, ये आपको कतर है, ये आप देख सकते हैं कतर है, और जिसका बेसब्री से इंतजार था वो देश आ गया है इंडिया। ये लाल किला है और लाल किला के अंदर हम कोशिश करते हैं कि लाल किला के अंदर विजिट करें और क्या क्या चीज़ है खासकर उस वो मार्केट हम आपको विजिट करना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो मार्केट मिला है वो कश्मीरी हेरिटेज मिला है, कश्मीरी हेरिटेज। सब एक एक चीज दिखाना तो संभव नहीं है। मतलब हर देश के लोग हर कंट्री को विजिट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ केवल इंडिया ही के लोग यहाँ पर हैं, हर देश के लोग हैं जो विजिट कर रहे हैं। ये ड्रेस है, और इंडिया का स्पेस काफी ज्यादा दिया गया है, और इंडिया बड़ा भी तो है ना, बड़ा है, वहाँ पे अलग अलग व्यवहार है। श्री गणेश अर्थ, ये देखिए श्री गणेश अर्थ इंफ्लेक्शन,
करें। ये राजस्थान का कल्चर है, जितना भी लोग देश होता है वहाँ इंडिया का होता है तो स्टेट होता है। ये चीज़ तो दिखाना संभव नहीं है, पर कोशिश करते हैं जितना हो सके। ये भगवान की मूर्तियाँ हैं, ये हनुमान जी हो गए, बुद्ध हो गए, कृष्ण जी हो गए, गणेश जी हो गए, सब भगवान हैं इधर ही। तो चलिए ठीक है, और भी आगे हम दिखाने की कोशिश करेंगे। Excuse me. ये इंडिया के लोगों को पहनने का जो ड्रेस है वो शब्द है, देखिए हिंदी बोल रहे हैं लोग, चेंज नहीं करते हैं। ये हो गया कनवलिया से, ये चूड़ी हो गई, ये यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम के लिए भी जगह दिया गया है। ये आप जिस देश के हैं, जिस कंट्री के हैं, वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम में परफॉर्म कर सकते हैं। तो दुबई ने सबको जगह दिया है, इंडिया को तो ज़्यादा ही जगह है। वैक्सो म्यूजियम, चलो हाय, इंडिया विजिट हो गया। ये जेवरात हैं, इंडिया में तो मिक्स कल्चर है इसलिए हर कुछ आपको मिक्स मिलेगा। तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए और देखते रहिए। दुबई के ग्लोबल विलेज सिटी में हैं हम, और आपको इंडिया वाला सेक्शन में हम आपको दिखाए हैं, और भी सेक्शन को हम एक एक करके देश बाय देश तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन बाहर से ही दिखाने की कोशिश करेंगे। कान है, कतर हो गया, ये पैलेस्टीन हो गया, फिलिस्तीन को हम फिलिस्तीन विजिट करा रहे हैं। ये सड़क भी उसी टाइप का, क्या शानदार बनाया है। तो कोशिश करता हूँ केवल ऊपर ही ऊपर दिखा देने के लिए, क्योंकि संभव नहीं है हर चीज को दिखाना। आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। ये चाइना फिर से, चाइना को तो जगह ज्यादा ही मिला हमको लगता है। ये चाइना, चलिए ठीक है, फिर आगे हम दिखाने की कोशिश करेंगे कौन कौन सा कंट्री है। ये पूरा चाइना है, काफी बड़ा है। ये लोग जो चल नहीं पाते हैं या ज्यादा थक जाते हैं उसके लिए गाड़ी भी मिलती है रेंट पर, आप ले सकते हैं। क्या है, रेलवे मार्केट, ये ट्रेन जैसा है और उसी में मार्केट लगाया गया है, इसलिए रेलवे मार्केट नाम है इसका। ये चाइना का ट्वांग च्वांग, चाइना आप देख सकते हैं, थोड़ा चाइना भी विजिट करा ही देते हैं हम आप। ये देख, ये चाइना, चाइना विजिट कराएं। अब आगे हम आपको
अलग कंट्री दिखाएंगे। ये झूले देखिए, अलग अलग कंट्री में जो झूले हैं वो झूले हैं ऑस्ट्रेलियन आलमंड फैक्ट्री। ये बादाम हो गए ऑस्ट्रेलिया के। अब ये चाइना के जस्ट बगल में ओमान, ये आपको ओमानी कल्चर यहाँ पर दिखाई देंगे। ये देखिए, हर कंट्री में अंदर जाना संभव नहीं लग रहा है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए जितना हो सकता है उतना कोशिश कर रहे हैं। ये अफगानिस्तान हो गए, देखो रे भैया, ये अफगानिस्तान है, और वहाँ का थोड़ा कल्चर हम को विजिट करा देते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है भाई, उधर भी ड्राई फ्रूट का ज्यादा खेला। ये कपड़े हो गए, ऊनी कपड़े ज्यादा ही हैं। ये झूले चल रहे हैं, जिसको आके झूलना है झूले, झूले में झूले। हर कंट्री यहाँ बनाया गया है और हर कंट्री को आप देख सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। अब जो इंडिया से ज़्यादातर युवा वर्ग जाने की कोशिश करते हैं उस कंट्री में हम आपको घुमाते हैं। वाओ, थाईलैंड, ये देखिए थाईलैंड। चलिए बिल्कुल, हम आपको थाईलैंड तो ज़रूर घुमाएंगे। और थाईलैंड के जस्ट बगल में है जापान, ये आप देखिए जापानी कल्चर। यहाँ पर आने के बाद लगता है दुनिया सही में गोल है, दुबई ने वो करके दिखाया। आप कहीं जाइए ना जाइए उससे बहस नहीं, पर दुबई आइए, और दुबई आइएगा तो यहाँ का कल्चर देखिए। और यहाँ का कल्चर के साथ साथ दुबई ने सभी कंट्री का कल्चर को संयोग कर रखा हुआ है, जिससे बहुत ही सुंदर महसूस होता है। जो जिस कंट्री से भी आए उसको अपना सा लगता है, यही है। ये थाईलैंड वाले सेक्शन में हम आपको घुमा रहे हैं और बहुत ही शॉर्ट घुमाएंगे। ये सब ड्रेस है, मतलब दुनिया में कहीं भी जाओ महिलाएं सबसे आगे है भाई। थाईलैंड है भाई, और थाईलैंड के जस्ट बगल में जापान है, उसको विजिट कराएंगे हम आपको। ये है जापान भाई, आइए जापान में स्वागत है। जापान घुमाते हैं भाई, आइए भाई आपको जापान घुमाते हैं। इसका जो छत वत होता है वो चाइना टाइप का है, भाषा भी कुछ ऐसा ही है। जापानी कल्चर क्या है भाई, जापान है कल्चर है क्या,
ये देखिए चुएंगचू, ये चुएंगचू को देखिए, तो जापान हम घुमा दिए आपको। जापान का मार्केट है ये, रोड ऑफ एशिया। ये देखिए क्या एंजॉय कर रहा है, ये सर्कस चल रहा है, तो सर्कस रोड पर चल रहा है। चिक्की है चिक्की। अब ये कौन सा कंट्री है भाई? अमेरिका, दुनिया का सबसे ताकतवर अमेरिका। अब आपको हम अमेरिका दिखाएंगे। इधर अमेरिका है चुई, और इधर कोरिया है। ये कोरिया है भाई, ये दोनों आमने सामने हैं भाई। अमेरिका दिखाते हैं भाई, यूएसए देख लो। ये देखिए यूएसए, ये वहां का कपड़ा, वहां के लोग किस तरह कपड़े पहनते, एकदम फैशनेबल भाई, एकदम फैशन से भरपूर। रोड ऑफ एशिया है, उधर अफगानिस्तान है, इधर अमेरिका है। ये देखिए भाई, यहाँ का कपड़ा का देखिए, इको फैशन सेलेना। मूवी एंट्री, इधर मूवी वूवी चलता है भाई। आप देख सकते हैं भाई, ये अमेरिका के लोग हैं भाई। अमेरिका ने अमेरिका आपको दिखाया, ठीक है, दिली इच्छा थी कि अमेरिका दिखाए, और अमेरिका एस्ट्रोनॉट को रखे हुआ। ये देखिए चांद पर लैंड किया, अमेरिका के जस्ट बगल में है यूरोप, आप यूरोप को भी देख सकते हैं अमेरिका के जस्ट बगल में। उसके बाद है रशिया, ये रशिया थोड़ा दूर है अफ्रीका, उसको अफ्रीका भी हम दिखाएंगे भाई, लेकिन आप देख लो बिलीव इज नॉट, ये अलग है। ये लाइव शो चल रहा है भाई, ये प्रोग्राम चल रहा है भाई। दूर से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये जो प्रोग्राम है, स्क्रीन पे चल रहा है, लेकिन ये स्क्रीन पे नहीं है भाई, लाइव चल रहा है। ये जो आप देख रहे हैं वो लाइव चल रहा है, और हम दिखाने की कोशिश करेंगे। शाम को आने का यही फायदा होता है। He wants to take over the world.
Okay, DJ Hero, shout out! Who is it? Yes, it's Romeo! You can always tell when Romeo is behind the problem. Great work, team! Next up, she is mysterious, with silver glittery hair. She rides a Luna board, and she's followed by smarter Luna moths who help her with her evil deeds. Any ideas? ये लाइव शो चल रहा है, लाइव शो प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ पर दिखा रहे हैं। Great, jump at the front. And finally, he wears a navy blue ninja suit, decorated with stars, and he thinks that he's the best at everything. Okay, PJ Heroes, who could it be? I think we need another clue, Gecko. Oh, remember that time Catboy got shrunk down really small, and they made him dead with the ninja leader? Who is it? Yes, it's the Night Ninja. Welcome, PJ Heroes. Now I have a question for you, PJ Masks. How do you manage to keep up the strength to go into the night to save the day? It's all about exercise and eating right. You have to keep your mind and your body active to be a hero. There are so many fun games you can play. I mean, I love soccer, but there's basketball, baseball, and heaps of other sports you can choose. It's always best to play in a team. Playing with your friends is so much fun. And it doesn't matter if you're not the best the first time you play. You just have to keep on trying by keeping ourselves fit and strong. We're ready for whatever the night brings us. 1, 2, 3, 4, everybody on the floor. 5, 6, 7, 8, DJ Masa feeling great. This is how you exercise like Catboy. Catboy's jumping all around. You use your super speed, he could take the lead. Everybody leaping off the ground. Great job, everyone. Let's keep it up. Here we go. 1, 2, 3, 4, everybody on the floor. 5, 6, 7, 8, DJ Masa feeling great. This is how you exercise like Owlet. Flying through the air is just a breeze. You can spread your wings, everybody wins. And Romeo says that he agrees. Great job, everyone. Keep going. 1, 2, 3, 4, everybody on the floor. 5, 6, 7, 8, DJ Masa feeling great. This is how you exercise like Gecko. Gecko always likes to catch the bus. He lifts it in the air, puts it over there. Then he will do a crazy dance for us. Great job, everyone. Let's keep it up. One more time. Are you ready? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Everybody on the floor. 5, 6, 7, 8. DJ Masa feeling great. Wow, PJ Heroes, you are incredible! PJ Masks, you really are amazing. You've gone into the night to save the day so many times, your hero powers. You've been on incredible adventures and had so much fun. Can you tell us what the absolute best thing about being a superhero is? Weeping lizards! It's not just our superpowers that help us save the day. Gecko is right. Sure, superpowers are awesome. But we have a secret power that helps us outplay those pesky nighttime bullies every time. A secret power? One we haven't seen before? Oh, you've seen it. And so have Romeo and Nightwing. This is a video you are watching from Syria. It's very amazing. You can see it here. Inside this, जो भी आपका जो होगा वो काफ़ी शानदार है। आप सीरिया के कल्चर में हैं और यहाँ जो फोटोज हैं आप देख सकते हैं, ये सीरिया में बस थोड़ा थोड़ा ही दिखाने की कोशिश करेंगे। वही फेस्टिवल सिटी में सबसे शानदार है इक्वा एक्शन स्टंट शो है, जो अभी तो नहीं चल रहा है लेकिन काफ़ी शानदार है। अगर चलता तो हम आपको विजिट कराते और दिखाते ज़रूर, ख़ास करके ये बिल्कुल दिखाते आपको। दोस्तों मेरे पीछे जो दुबई ग्लोबल सिटी देख रहे हैं, जो ग्लोबल विलेज है, उसमें क्या है कि 5 दिन बाद ये टूट जाएंगे, टोटल के टोटल तोड़ दिए जाएंगे और उसके बाद फिर से हर साल नया डिज़ाइन किया जाता है। जैसे पाकिस्तान का से कहीं पर सिटी है उसको हटा के इंडिया का रख देगा, इंडिया को हटा के आपको चाइना रख देगा, मतलब लोकेशन हर साल चेंज कर दिया जाता है। तो बड़े खुश नसीब आप लोग हैं कि हमारे चैनल से आप देख पा रहे हैं दुबई का ग्लोबल विलेजेस
और इसको रिसेंटली तोड़ के अब नेक्स्ट ईयर आएंगे तो वो लोकेशन चेंज रहेगा। तो चलिए ठीक है, स्टंट शो नहीं देखा पाया क्योंकि स्टंट शो पहले ही बंद कर दिया गया है। फिर कभी ज़माना मिलेगा, वक्त मिलेगा तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, यहाँ नहीं तो कहीं और दिखाएंगे। ये यहाँ का कल्चरल डांस कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। गोल का कल्चरल फूड बन रहा है वो हम लेने वाले हैं, 25 दिरहम का मिला है। दुबई के अंदर, दुबई आप देखिए, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये दुबई ग्लोबल विलेजेस के अंतर्गत है, बनाया गया है सभी कंट्री का। तो दुबई ने सोचा कि सब कंट्री का रहेगा तो हम क्यों अब्सेंट रहेंगे, तो इन्होंने भी अपना एक आउटलेट बना लिया। देखिए रात को भी लोग, कितना लोग है, लाखों लोग है यहाँ। लाखों लोग देख रहे हैं। और इंडिया को तो हमने दिखाया, ये है अलशना, ये पता नहीं कौन सा कंट्री है, हम इसको नहीं जानता। यूनिवर्सिटी ऑफ कम्युनिटी यूएई का है, यूनिटी डेवलपमेंट है। अब ये देखिए पाकिस्तान भी आ गया, ये देखिए अलग अलग कंट्री है। तुर्किश आइसक्रीम का तो भाई आउटलेट बहुत ज्यादा है। तो चलिए पाकिस्तान के मार्केट में एंट्री कराते हैं। जगह पर लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, काफी खूबसूरत। आप देखिए लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं कैमरा को देखकर। का चित्र बनाया गया है, पता नहीं किसका है। यहीं से देख लीजिए, ज्यादातर फैशन का ही चीज रहता है। ये आई ट्रेंड है, मतलब नए जमाने का ट्रेंडिंग है। आप देखिए ये ड्रेस है, नाइट ड्रेस, तो आप देख रहे थे ये वाला सेक्शन जो था वो पाकिस्तान वाला सेक्शन था, जो ये यूएई ग्लोबल विलेज सिटी के अंतर्गत है, वो हमने आपको दिखाया। बहुत ही शानदार है, आपको जो दिखा रहे हैं काफी शानदार है। ड्रेस ही ड्रेस है हर जगह पर। तो हम बंद कर रहे हैं और आपको दूसरा आउटलेट आपको दिखाएंगे। ये देख लीजिए सेक्शन काफी शानदार है, ये जो कपड़े काफी चमकदार है।
दुबई और दुनिया का सातों अजूबा एक साथ नहीं देखे तो क्या देखे आप? बिल्कुल, हम आपको एकदम दिखाने के लिए पास में ले जाते हैं दिखा के। आप देख सकते हैं यहाँ पर ताजमहल है, ये अलग है, दूसरे कंट्री का है, लेकिन ये भी सात अजूबों में से एक है। और भी है, बहुत सारे हैं। मतलब जब भी आए दुबई में तो ग्लोबल विलेज सिटी आए और देखे दुनिया का सात अजूबा एक साथ देखने को मिलेगा। इसी को दुबई कहा जाता है भाई, यही है दुबई जहाँ सब कुछ मुमकिन होता है। ये देखिए, ये ताजमहल है, इसके अंदर इत्र का दुकान है, इसके अंदर अलग अलग कपड़े के दुकान है। ये आईफिल टावर हो गए, ये भी किसी कंट्री का सात अजूबों में से एक है। मतलब हर चीज आपको मिलेगा, अजूबा ही मिलेगा, जहां भी देखिए आपको अजूबा ही मिलेगा। ये देखिए, ये भी है अजूबों में से एक, हर जगह आपको। ये आईफिल टावर है, क्लॉक वॉच है, क्लॉक वॉच, ये बच्चे लोग एंजॉय कर रहे हैं, टेलीफोन बूथ में इतिहास को देख रहे हैं। ये ग्लोबल विलेज में बस का लगा दिया गया है आगे डबल डेकर। ये भी देखिए, सब अजूबा है भाई, सब अजूबा है। ये चाइना का है, मतलब आइए एंजॉय कीजिए दुबई। ये देखिए मशाल वाला आदमी, सातों अजूबा आपको एक साथ मिल गए ना। देखिए हर तरह, जब भी दुबई आइए, ग्लोबल विलेज सिटी आइए और यहाँ सातों अजूबा एक साथ देखिए और एंजॉय कीजिए, फिर घर जाइए। आपके लिए ठीक है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए और हम भी अब निकल रहे हैं घर के लिए। जल्दी से करो सब्सक्राइब।